मेडल आया हुआ मेडल को रात में ही ये क्या कैसा जरूरत पड़ा जो इस साजिश के तहत, इसलिए इसकी लड़ाई, इस बेटी की लड़ाई पूर्व सांसद भाजपा के ब्रजकिशोर सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है। जीत, इस बेटी के जीत से भाजपा के लोगों को काफ़ी नुकसान होने वाला था, इसीलिए इस बेटी के साजिश के तहत इसमें बेटी को पदक से दूर किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में अक्सर पोस्टर की पॉलिटिक्स होती रहती है। अब पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर अब पोस्टर लगाया गया है, तस्वीर आपके सामने है। सिद्धार्थ क्षत्रिय पूर्व सचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। विनेश फोगाट ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई है, इसको लेकर ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें मोदी जी पर तंज कसा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए पोस्टर में दर्शाया गया है, भारत हार गया, मोदी जी जीत गए। विनेश फोगाट की जब डिस्क्वालीफाई हुई है उसको लेकर ये मोदी जी को तंज कसा जा रहा है कि चक्रव्यूह राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक। और ये तस्वीर लगाया गया है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस पोस्टर में हैं। मेरे खिलाफ ईडी के छापे की तैयारी है, राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट जो अखबारों के कटिंग ये पोस्टर में दर्शाया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हैं वो राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक वो अपना चक्रव्यूह लगा रहे हैं। विनेश फोगाट ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई है, इसको लेकर नरेंद्र मोदी को दोषी करार दिया जा रहा है और भारत हार गया, मोदी जी जीत गए लिखा गया है। सुना हुआ नहीं दिखता हुआ आपातकाल बताया जा रहा है कि अभी आपातकाल दिखता हुआ आपातकाल है। लगातार संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस प्रकार की बातें होती रहती है। और आज ये कांग्रेस के द्वारा पोस्टर भी लगाया गया है कि सुना हुआ नहीं दिखता हुआ आपातकाल है। और ये पोस्टर में राहुल गांधी की वो तस्वीरें भी लगाई गई है, एक तरफ नरेंद्र मोदी को अडानी और अंबानी के साथ तस्वीर है, अमित शाह की तस्वीरें हैं, और दूसरे तरफ राहुल गांधी की वो तस्वीरें हैं जहां पुलिस के साथ हाथापाई हुआ था, उसका भी तस्वीर इस पोस्टर में लगाया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये तस्वीर लगाया गया है, ब्रजभूषण शरण सिंह लेटे हुए हैं और उसके ऊपर से जो विनेश फोगाट है उसका तस्वीर है वो दर्शाया गया है। सिद्धार्थ क्षत्रिय पूर्व सचिव है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनसे भी बात करेंगे कि ये पोस्टर के माध्यम से वो आप पोस्टर लगाए हैं, पोस्टर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, ये ब्लेम नरेंद्र मोदी पर आप लगा रहे हैं। हाँ, ये चूँकि इसमें साजिश हुआ है, ये बेटी हमारे गोल्ड मेडल जो है जीत रही थी और इस मेडल आया हुआ मेडल को रात में ही ये क्या कैसा जरूरत पड़ा जो इस साजिश के तहत, इसलिए इसकी लड़ाई, इस बेटी की लड़ाई पूर्व सांसद भाजपा के ब्रजकिशोर सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है। उनके लोग ओलंपिक में हैं, जिस रात में ये खान पान हुआ है जीतने के बाद, इसके बाद जो है वो उस कमेटी के लोग उसमें इन्वॉल्व थे और नीता अंबानी जी जैसे लोग इसमें मेंबर हैं, पीटी उषा जी जैसे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बेटी के खर्चा भाजपा के लोग दिखा रहे हैं। मंत्री तो ट्वीट किए हैं कि हम इनके साथ हैं, इसीलिए तो डाउट हो रहा है। प्रधानमंत्री महोदय जिस समय ये जीती थी तो क्यों ने वो ट्वीट किए, ये जब इस तरह का साजिश हुआ तो ये सहानुभूति सिर्फ साजिश के सहानुभूति है। हरियाणा चुनाव में इनके जीत, इस बेटी के जीत से भाजपा के लोगों को काफ़ी नुकसान होने वाला था, इसीलिए इस बेटी के साजिश के तहत इसमें बेटी को पदक से दूर किया गया है। हम लोग जांच की मांग करते हैं। सिद्धार्थ क्षत्रिय थे जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है, वो जांच की मांग भी कर रहे हैं और सीधा सीधा ये आरोप प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं कि जो विनेश फोगाट है जो ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई है, उनकी हार के लिए प्रधानमंत्री का चक्रव्यूह के कारण ये हार हुई है। प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं तुरंत, इस पर भी वे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे निष्पोनेशन के साथ।